जे बे पक्षोना टेके केन्द्र सरकार टकेली छे ते बन्ने पक्षों जेडीयू अने टीडीपी ना सांसदो आजना बजेट थी खुशखुशाल छे। आ बजेट में टीडीपी अने जेडीयू नू ज्यारे ज्यां वर्चस्व छे ते बन्ने राज्यों ने मोटी मात्रा में विकास कामों की लाणी करवामां आवी छे अने बिहार ने बखा थई गया छे, तो आंध्र प्रदेश माटे पण आजना बजेट में विशेष जोगवाईओ करवामां आवी छे। आ बने पक्षना नेताओ उपरांत अन्य नाना सहयोगी पक्षोए पण आजना बजेट ने तेमना राज्योना विकास माटे अभूतपूर्व गणाव्यु छे। कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा हुक्म का था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो करना शुरू कर दिया। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में, और पोलोवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। और ऊपर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्रा में, उसका भी एक मेंशन उन्होंने किया था कि वहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर अलग तरीके के पैकेजेस हो, वो सब भी इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय लोग हैं, उन सबको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब बोली जाती हैं बजट में, तो ज़रूर हमारे आंध्रा के लोग में या 5 करोड़ जो आंध्रा के लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा होता है। जहाँ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहाँ पे ब्रिजेस बना के, वहाँ पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहाँ पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहाँ एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहाँ पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है।